यह प्रकाश का एक प्रमुख स्रोत है द सन इज द सेंटर एंड देर आर एट प्लैनेट्स दैट मूव अराउंड द सन और सूरज केंद्र है और आठ ग्रह है, है जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं न दिस बिग फैमिली ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम और ग्रह और तारे का यह बड़ा परिवार सौर मंडल कहलाता है सबको समझ में आया चलिए सभी बच्चे मेरे पीछे रिपीट करेंगे सन सन वीनस वीनस जुपिटर, जुपिटर यूरेनस, यूरेनस अर्थ अर्थ मरकरी, मरकरी, मास मार्स सैटन सेटन एंड नेपट्ट्यून नेपट सभी बच्चों को ये सारे नेम्स आपको लर्न करने हैं ओके एंड प्लीज कलर द सन विथ अ येलो क्रियान एंड रीड द नेम्स ऑफ द प्लानट्स अराउंड ये आपका होमवर्क है अंडरस्टुड नेक्स्ट पेज नंबर फिफ्टी थ्री

टुडे डेट इज़ ट्वेंटी फेबरवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन दे सैटरडे क्लास वर्क क्लास यूके जी सब्जेक्ट जी के राइट द नेम ऑफ द सीजन्स पहले हम सब रीडिंग कर लेंगे विंटर विंटर स्प्रिंग स्प्रिंग समर समर मॉनसून मॉनसून एंड ऑटम आपको ये सारे नेम्स अपने कॉपी में लिखना है टू टाइम्स और लर्न करने हैं अंडरस्टूड नाउ रिविजन ऑफ नेम द लिविंग थिंग्स राइट पी ई ओ पी एल ई पीपल ऑल द चिल्ड्रन से एंड राइट नेक्स्ट एनिमल ए एन आई एम ए l s animals next bird b i r d bird next plants p l a n t s plants so children these are living things people animals birds and plants okay now नेम द नॉन लिविंग थिंग्स अब हम क्या करेंगे जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका नाम लिखेंगे निर्जीव चीज़ों का ओके जिनमें इमोशंस नहीं होते हैं और जो फील नहीं कर सकते जिनमें जान नहीं होती वो सब नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं राइट नेक्स्ट टी ए बी एल ई टेबल बी एल एल बॉल B O O K Book S H O E S Shoes Next P O T Pots सभी बच्चों को लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स लर्न करने हैं ओके बाय बाय हैव ए गुड डे